नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में श्राद्ध पक्ष के विषय में बताया था, उसी वातावरण को आगे लेकर के चलते हैं। श्राद्ध विशेषतः क्या हैं और क्यों इनका महत्व है, इसके विषय में आपसे कहता हूँ। श्राद्ध पक्ष जो है पितृऋण मुक्ति का मार्ग है। ये श्राद्ध क्यों किया जाता है, पितृपक्ष मृत्यु तिथि में श्राद्ध क्यों करें, इसके विषय में हिंदू संस्कृति में पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत होने पर मनुष्य का जीवात्मा चंद्रलोक की तरफ जाता है और ऊंचा उठकर पितृलोक में पहुंचता है। इन मृतात्माओं को अपने नियत स्थान पर पहुँचने की शक्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध का विधान कहा जा गया है। श्राद्ध में पितरों के नाम पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन एवं दान भी किया जाता है। वस्तुतः श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। मृत आत्मा के प्रति श्रद्धा पूर्वक किए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। पितरों के लिए श्रद्धा प्रकट करने का माध्यम केवल श्राद्ध ही है। यह हमारी संस्कृति की महानता है। तर्पण द्वारा उनके जीवन का उत्थान होगा, उन्हें शांति मिलेगी, तो उनके अंतरात्मा से आपके प्रति शांतिदायक सद प्रेरणाएँ निकलेंगी। अतः श्राद्ध पक्ष में तर्पण श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य श्राद्ध को व्यर्थ समझकर उसे नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनमें कुछ तो यथाविधि नियमानुसार श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं, किंतु अधिकांश लोग तो रस्म रिवाज की दृष्टि से श्राद्ध करते हैं। वस्तुतः श्रद्धा भक्ति द्वारा शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविध कल्याण प्रदान करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को यथा समय करते रहना चाहिए। जो लोग शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को न कर सकें, उन्हें कम से कम क्षय वार्षिक तिथि तथा आश्विन मास के पितृपक्ष में तो अवश्य ही अपने मृत पितृगण के मरण तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध रहता है। पूरे वर्ष के अंतर्गत ये एक बार ही आता है, आश्विन मास में ये 15 दिन का पक्ष होता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है जो अमावस्या तक रहता है, और शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही गई है। इसलिए मनुस्मृति में कहा है कि मनुष्यों के एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र दिन रात होता है। मास में दो पक्ष होते हैं, मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष में पितृ श्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है, इसलिए शास्त्रों में पितृ पक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी गई है। महर्षि जावाली कहते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र आयु आरोग्य अतुल ऐश्वर्य और अभिलाषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष अपने पितरों के निमित्त किया हुआ श्रद्धापूर्वक यह कर्म है। जिनकी संपत्ति हम खा रहे हैं, जिनके नाम से हमारा आगे जो है वंश चल रहा है और यशमान कीर्ति जिनके नाम से चल रही है, जैसे राजा राम जी, कृष्णचंद्र जी, ऐसे अनेक देवी देवताओं का भी वंशावली चल रही है। सूर्यवंशी रामचंद्र जी, चंद्रवंशी कृष्ण भगवान, इस प्रकार से भगवान तो उस वृत्ति के रूप में माना गया है। उनके निमित्त यदि हम श्रद्धापूर्वक कर्म करते हैं अपने पितरों के निमित्त, तो हमें अतुल्य लाभ की प्राप्ति होती है। श्राद्ध में जो वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं उनके विषय में आपसे विचार विमर्श करें। कई व्यक्तियों ने प्रश्न किया कि आचार्य जी, हमारे से पूरा कार्य नहीं हो सकता तो क्या करना चाहिए, क्या श्राद्ध पक्ष छोड़ देना चाहिए? ऐसा नहीं मित्रों, ये पूरे वर्ष के अंतर्गत 15 दिन का ही एक पक्ष है, और इन पक्ष में अपने पितरों के निमित्त यथाशक्ति जो हो सके वो दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, व्यस्तता ऐसी है कि कार्य नहीं हो सकता, तो अमावस्या के दिन अपने जो कुल पुरोहित हैं उनको यथाशक्ति सीधा कहते हैं, जैसे चावल चीनी जितना आपकी सामर्थ्य है, अगर कुछ नहीं है तो कुछ फल लेकर के दूध लेकर के और दक्षिणा के सहित ब्राह्मण को अर्पण कर दें। उससे आपके
परिवार में पितृपक्ष का प्रभाव सदैव बना रहेगा, क्योंकि कहते हैं पर पितामह आपको धन ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, पितामह आपको संतति प्रदान करते हैं और आपके पिता आपको ऐश्वर्य यशमान वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से पावन श्राद्ध एकोदिष्ट श्राद्ध का क्या समय है, अर्थात याज्ञवल्क्य जी ने कहा है देव संबंधी कार्य पूर्वाह्न में पावन एवं पितृ संबंधी श्राद्ध संबंधी कृत्य अपराह्न काल में करना चाहिए, यानी देवताओं के निमित्त जो हम कार्य करते हैं उसको पावन श्राद्ध कहते हैं, वो प्रातःकाल करना चाहिए, 10 बजे से पहले पहले कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। और जो श्राद्ध पितृ संबंधी करते हैं यह कृत्य अपराह्न काल में 11 बजे से लेकर के 1 बजे 2 बजे तक के मध्य में, एकोदिष्ट श्राद्ध मध्यान्ह काल तथा नैमित्तिक एवं वृद्धि संबंधी श्राद्ध काल प्रातःकाल ग्रहण करें। अब कई लोगों ने इसमें प्रश्न किया कि आचार्य जी हम नौकरी पेशा में जाते हैं तो क्या हम कैसा करें, इस चीज़ को आपने बता तो दिया। तो साथियों उनके लिए सबसे अच्छा है जब प्रातःकाल हो जाते हैं उससे पहले स्नान ध्यान करके अपने पितरों के निमित्त यथाशक्ति सूखा अन्न जल धल ये निकाल करके ब्राह्मण को दान कर दें। श्राद्ध में 8 दुर्लभ प्रयोजनीय, श्राद्ध में कुछ बातें अत्यंत महत्व की हैं, जैसे कुतप बेला 8वां मुहूर्त दिन में 11:36 से लेकर के 12:24 तक का समय, श्राद्ध के लिए यह काल मुख्य रूप से प्रशस्त है, इसे ही कुतप बेला कहते हैं। कुत्सित अर्थात पाप को संतप्त करने के कारण इसे कुतप कहा गया है। मध्यान्ह काल खड़ग प्राप्त कंबल चांदी कुश तिल गौ और दोहित्र कन्या का पुत्र, ये 8ों भी कुतप के समान ही फलदायी होने के कारण कुतप कहलाते हैं, श्राद्ध के लिए बड़े ही दुर्लभ प्रयोजनीय हैं। अर्थात यदि ब्राह्मण न मिल पाए कहीं तो बालिका का पुत्र अर्थात आपका भांजा हो गया वो जो है ब्राह्मण के कर्म के भाव से ही प्राप्त होता है। श्राद्ध में कुश तथा कृष्ण तिल की महिमा, यानी कुशा की और काले तिल की क्या महिमा है, कुश तथा काला तिल ये दोनों भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये श्राद्ध की रक्षा करने में सर्वसमर्थ हैं, ऐसा देवगण कहते हैं। समूलाग हरित जड़ अंत तक हरे रहने वाली कुशा तथा गौकर्ण मात्र परिणाम के कुश श्राद्ध में उत्तम कहे गए हैं, इनको अर्थात तिल और जौ लेकर के कुशा हाथ में बांध करके श्राद्ध तर्पण करना चाहिए और जलांजलि दे करके अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। श्राद्ध में रजत चांदी की महिमा, कहते हैं कि श्राद्ध में चांदी क्योंकि श्वेत वर्ण की होती है पितृपक्ष भाव में होती है, श्राद्ध में पितरों के निमित्त पात्र के रूप में पलाश तथा महुआ आदि के वृक्षों के पत्तों के दोने काष्ठ एवं हाथ से बनाए मिट्टी आदि के पात्रों का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इसके साथ ही स्वर्णमय एवं रजतमय पात्रों का प्रयोग की विधि भी है। मुख्य रूप से श्राद्ध में चांदी का विशेष महत्व कहा गया है, पितरों के निमित्त यदि चांदी से बने हुए चांदी के मढ़े हुए पात्रों द्वारा श्रद्धापूर्वक जल पात्र भी प्रदान कर दिया जाए तो पितृ प्रसन्न होते हैं, अक्षय तृप्ति कारक होता है। इसी प्रकार पितरों के लिए अर्घ पिंड और भोजन के पात्र भी चांदी में प्रशस्त माने गए हैं, क्योंकि चांदी शिवजी के नेत्र से उद्भव हुई है इसलिए यह पितरों का परम प्रिय है। यहाँ तक लिखा है कि यदि चांदी का पात्र देने का सामर्थ्य न हो तो चांदी के विषय में कथन अर्थात चर्चा कर लेनी चाहिए, दर्शन अथवा दान से कार्य संपन्न हो जाता है। चांदी का पात्र लेकर के जल तिल लेकर के और उसमें जो है अर्घ दे करके यदि आप अपने पितरों के निमित्त करते हो तो यह प्रसन्न चित रहता है। साथियों आगे आपको श्राद्ध में जो जो चीज़ें प्रयोग में ली जाती है उनके विषय में बताएंगे, क्योंकि जितना श्राद्ध पक्ष को महत्व दिया गया है इस पक्ष का अत्यंत लाभ है। जो भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त इस श्रद्धा भाव से इसको करता है भगवान की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं अगले वीडियो में आपको श्राद्ध में क्या क्या चीज़ें प्रयोग करनी चाहिए क्या क्या चीज़ें प्रयोग नहीं करनी चाहिए उसके विषय में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।